नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण, और आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में आपका फेवरेट टॉपिक लेके, एंड दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, इसको सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अगर होता है तो इसको कैसे सबकॉन्शियस माइंड में बिठाया जाए, अपनी मैनिफेस्टेशंस को कैसे चीजों को लाया जाए, क्योंकि हम जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, हम लोगों को ज्यादातर को मालूम है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो बेसिकली हमें इच्छाएं तो जाहिर करवा सकता है, हमारी डिजायर्स को उठा सकता है, लेकिन जो एक्चुअल क्वालिटीज एक ह्यूमन बीइंग में आती हैं, चाहे वो हमारा कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो हमारा फियरलेसनेस हो, काम करने की जील हो, कुछ हासिल करना हो, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आता है। और दोस्तों, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना, कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं। और किसी काफ़ी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि अगर आप अपना सबकॉन्शियस माइंड नहीं कंट्रोल करेंगे तो कोई और आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम करेगा और वो आपको कंट्रोल करेगा, आप किस तरह से काम करते हैं वो व्यक्ति ये चीज़ कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही तरीका बताने वाली हूँ, ऐसे कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से प्रोग्राम कर सकें कि आप जो चाहें वो हासिल कर सकें, एक तरक्की, एक सक्सेस के लेवल पे पहुँच सके जो आप चाहते हैं, और कोई और आपकी क्वालिटीज़ को यूज़ करके, आपको कंट्रोल करके आपको न यूज़ करें। तो दोस्तों, इन टिप्स पे आते हैं। पहला जो टिप है, दैट इज सेटिंग योर गोल। हम लोग ज़्यादातर लोग जिसको भी देखते हैं, जो लोग काम तो कर रहे हैं ज़िंदगी में, लेकिन दुनिया में 95% लोगों के शायद कुछ गोल ही नहीं है लाइफ में। अगर उनसे पूछा जाए कि आपका लाइफ का क्या गोल है, तो उन्हें मालूम ही नहीं है। उन्होंने पढ़ाई की कि कोई अच्छी जॉब लग जाए, किसी अच्छे प्रोफेशन में चले जाएं, वो प्रोफेशनल कोर्स पूरा हुआ तो चलो कुछ अच्छा कमाने लगें, जब कमाने लगें तो चलो अब रेगुलर ये इनकम बनी रहे, फिर रिटायर हो जाएंगे और काम ख़त्म ज़िंदगी का। लेकिन उन्हें एक्चुअली ज़िंदगी में क्या हासिल करना है, उन्हें मालूम ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई गोल सेट ही नहीं किया। तो दोस्तों, जिस तरह से एक शार्प शूटर को, बहुत अच्छे तीरंदाज को भी अगर आप कहेंगे कि आपको निशाना लगाना है, लेकिन उसे कोई गोल पोस्ट दिया ही ना जाए, निशाने के लिए कोई चीज़ दी ही ना जाए, तो उसका वो तीर या फिर उसकी वो गन से निकली हुई बुलेट कहाँ जाएगी, वो आड़ी तिरछी कहीं पे भी जाएगी, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है निशाना कहाँ लगाना है। ठीक उसी तरह, अगर आप किसी जगह ट्रेन में बैठे हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि आपको किस जगह पहुंचना है, तो ना आप सही ट्रेन में बैठ पाएंगे, ना सही स्टेशन पे उतर पाएंगे, ना अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। तो आपको लाइफ की डेस्टिनेशन, लाइफ का गोल पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि उसके बिना आपके अंदर कितनी ही अच्छी क्वालिटीज़ हो, आप कितने ही अच्छे गनमैन या तीरंदाज हों, लेकिन आप निशाना कभी भी सही नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है निशाना लगाना कहाँ है। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जॉब में हैं, जिनको ये तो मालूम है कि मेरा KRA क्या होगा, मुझे कितना काम करना है कि मेरे को इस साल इंक्रीमेंट मिल जाए या मेरा इंक्रीमेंट ना रुके, लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि तुम्हारी नेक्स्ट प्रमोशन कब होने वाली है, या आज से 8 साल बाद तुम खुद को कहाँ देखते हो, या रिटायरमेंट के वक्त किस पोस्ट से रिटायर होगे, तो शायद 99% जो जॉब में हमारे दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वो नहीं बता पाएंगे कि रिटायरमेंट के वक्त वो कौन सी पोस्ट से रिटायर होने वाले हैं या होना चाहते हैं या उन्होंने गोल सेट किया हुआ है। वो डेली ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं, वापस आ जाते हैं और उन्हें मालूम है कि उन्हें इतना काम करना है ताकि उनकी नौकरी बची रहे, हर महीने की सैलरी मिलती रहे, थोड़ा थोड़ा लाइफ में इंक्रीमेंट होता रहे, 6-7 साल में एक प्रमोशन भी मिल जाती है, होती रहेगी। लेकिन दोस्तों, जिस वक्त कोई एक सीनियर मैनेजर है और उसने डिसाइड कर लिया कि मेरी 22 साल की नौकरी बची है और मुझे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रैंक से रिटायर होना है, उस वक्त उसे पता होगा कि मुझे कितने साल में एटलीस्ट एक प्रमोशन लेनी है। उस वक्त वो अपने HR से इंक्वायरी शुरू कर देगा कि प्रमोशन लेने के लिए मुझे क्या क्या काम करने होंगे, नौकरी बचाने के लिए नहीं, प्रमोशन लेने के लिए मेरे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए।
तो दोस्तों जैसे ही आप गोल सेट कर लेते हैं, आपका आउटलुक चेंज हो जाता है काम करने का। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, रोज दुकान पे जाते हैं, शटर उठाते हैं, सामान बेचते हैं, जितना बिक गया ठीक है, वापस आते हैं और जिंदगी अच्छी चल रही है, ठीक है जी, साल में एक आध फॉरेन टूर ले लेते हैं, अच्छा खाते हैं, हफ्ते में एक बार 5 स्टार भी चले जाते हैं, बस। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि पिताजी ने जो कोठी बनाई थी वो हम 4 भाइयों में बढ़ गई और अब चारों भाइयों के 2-2 बच्चे हैं, यानी कि 8 हिस्से में वो एक कोठी हो जाएगी जो पिताजी ने अकेले परिवार के लिए बनाई थी। तो अगर आपको सेम कोठी बनानी है तो आपको कितने पैसे चाहिए, कितने टाइम में बनानी है, कितना टाइम होना चाहिए, और अगर आपको 5 साल में वैसी कोठी बनानी है तो आपके 1 साल में कितनी इनकम सेविंग्स होनी चाहिए, और 1 साल में कितनी इनकम सेविंग होनी चाहिए, यानी कि आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। और जब इस मंथली इनकम के ध्येय से आप रोज अपने शोरूम का और दुकान का शटर खोलेंगे तो दोस्तों आपको नए आइडियाज आने लगेंगे कि ये उतनी कमाई नहीं हो रही जितनी मैंने सोची थी, तो इसके साथ मुझे और क्या एडिशन करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए कि ज्यादा कस्टमर्स आए, ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं अपने टारगेट को मीट कर सकूं। तो दोस्तों जब तक गोल सेटिंग नहीं होगी ना, आगे बढ़ने की शायद इच्छा ही नहीं आ पाती है उस लेवल की जिस लेवल पे आपको बढ़ना है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल दोनों ही बनाने होंगे, और सिर्फ बनाने नहीं है, लिख के रखने हैं ताकि आप खुद ना भूल जाएं कि आपने क्या गोल बनाया है लाइफ में। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों, दैट इज व्हाई, कि आपने जो गोल बनाया है, आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां क्यों पहुंचना चाहते हैं। आपका ये जो वाई जितना स्ट्रांग होगा ना, आप उतनी ही ज्यादा रफ्तार से और उतने ही ज्यादा फेथ के साथ अपने उस गोल तक पहुंचेंगे, और उतनी ही ज्यादा एश्योरिटी होगी आपके उस गोल सेटिंग में और गोल तक पहुंचने में। दोस्तों किंग मार्टिन लूथर ने भी कहा है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई वाई नहीं है जिसके लिए आप मर सकें तो आपका जीना बेकार है। तो वाई बहुत जरूरी है। जिस तरह से जब हवाई जहाज बनाना था तो 2 साइकिल मैकेनिक्स थे, राइट ब्रदर्स, और एक तरफ सैमुअल लैंगले थे जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनको कई मिलियन डॉलर्स की फंड्स मिले हुए थे ये ईजाद करने में कि हवाई जहाज बनाया जाए। लेकिन सैमुअल लैंगले के पास वाई नहीं था और राइट ब्रदर्स के पास वाई था, कि वो दुनिया में कुछ ऐसा ईजाद करना चाहते थे जिससे दुनिया की हिस्ट्री बदल जाए, पूरी दुनिया को, पूरे जहान को एक सहूलियत हो जाए लाइफ में। तो उनका वाई इतना स्ट्रांग था कि वो 2 साइकिल मैकेनिक्स ने हवाई जहाज बना लिया, और सैमुअल लैंगले इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद, इतने फंड्स होने के बाद, इतनी फैसिलिटीज होने के बाद भी ये काम नहीं कर पाए। तो आपके वाई में जितने ज्यादा इमोशंस हैं, जितना ज्यादा प्यार है, जितनी ज्यादा जिद है, उतनी ही जल्दी आपका गोल पूरा होगा। तो दिस वॉज वाई। थर्ड पॉइंट दोस्तों, चूज योर ट्राइब वाइजली, यानी कि आप जो बनना चाहते हैं ना, उस तरह के लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए, उस तरह की सोच में रहना शुरू कर दीजिए। अब बनना आपको स्पोर्ट्समैन है और आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो दिन भर सोचते हैं कि मैकडॉनल्ड्स में बैठ के बर्गर खाएं, या फिर डोमिनोज का पिज्जा खाएं, या फिर कहीं जाके दाल मखनी खाई जाए, या फिर टंगड़ी खाई जाए, तो दोस्तों ऐसे लोगों के साथ आप स्पोर्ट्समैन तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग दिन भर खाने के सिवा कहीं और जाता ही नहीं है। क्यों पहले गुरुकुल में भेजा जाता था स्टूडेंट्स को? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे हर जो बच्चा है वो पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में सोचता है, गुरु के जो संस्कार है वो बच्चे में जाएंगे। तो उनको उनकी ट्राइब दी जाती थी कि वो दिन भर इसी तरह के माहौल में रहें कि वो बेस्ट हासिल कर सकें उस शिक्षा का, उस एजुकेशन का। जब हम मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ का जो पीस होता है, वहाँ की जो ऑरा होती है, सडनली हमारे अंदर आ जाती है, हमें बहुत शांत, बहुत कूल, बहुत पीसफुल फील होता है। चाहे हम कितनी टेंशन में हो, 10 मिनट जाके गुरुद्वारे में बैठ जाएं तो ऐसा लगता है सारी टेंशन्स नीचे सबसाइड हो गई हैं। या हम लाइब्रेरी में जाके बैठे तो इच्छा ना भी हो तो लगता है चलो 1-2 किताबें पढ़ ही लेते हैं, बिकॉज वहाँ पे इतनी शांति होती है, किताबों की खुशबू होती है, आसपास सिर्फ किताबें ही किताबें होती हैं, तो ना पढ़ने वाला व्यक्ति भी कुछ पन्ने तो पलट ही लेता है। तो दोस्तों चूज योर ट्राइब वाइजली, जिस तरह की ट्राइब में रहेंगे उस तरह का ही इंसान आप बनेंगे,
काफी बड़े व्यक्ति ने कहा भी है ये कि आप ठीक वैसे ही बन जाते हैं जैसे आपके आसपास के 6 लोग होते हैं। तो अपने उन आसपास के करीबी लोगों को ध्यान से चुनिए। नंबर 4 पॉइंट है दोस्तों, रेपिटेशन। रेपिटेशन बहुत ही अहम टूल है आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी बात को बैठाने का। जो आपने गोल चूज कर लिया है, डिसाइड कर लिया है, चाहे तो उसे एक सेंटेंस में फॉर्म कर लें और रोज लिखें या मन में रिपीट करें, जैसे भी करें, लेकिन आप उस बात को रिपीट कीजिए। पहले कहा जाता था कि जो हमारा ब्रेन है वो स्टैटिक है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये प्रूफ कर दिया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू हम अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। तो जो हम बार बार रिपीट करते हैं, इवन जो काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं या फाइटर्स होते हैं, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि उनको आपके किसी 100 तरह के तरीकों से डर नहीं लगता है, लेकिन उस एक तरीके से डर लगता है जो आपने 100 बार प्रैक्टिस किया हो, बिकॉज आप उसमें एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका होता है और उसे आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कैसे भी करेंगे तो आप सही ही करेंगे। ठीक ऐसे ही आप अपने गोल को जब बार बार रिपीट करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और आप चाहें ना चाहें वो काम होता चला जाता है। तो ये था दोस्तों नंबर 4 पॉइंट, रेपिटेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जो बड़े लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की खास निशानी है, वो है रीडिंग। रीडिंग कैसे भी, चाहे आप किताबें पढ़ के करें या आप ऑडियो बुक सुन के करें या फिर किसी चीज़ को वॉच करके करें, लेकिन आप जब कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस में होते हैं तो आप हमेशा कॉन्टिन्यूसली डेवलप कर रहे होते हैं, और जब आप कॉन्टिन्यूसली डेवलप करेंगे तो आप डिग्रेड नहीं होंगे, नीचे नहीं जाएंगे, हर वक्त ऊपर ही जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे ही जाएंगे, अगली ऊंचाई की सीढ़ी को ही तय करेंगे। तो रीडिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट है दोस्तों, एक अच्छे लेवल पे, ऊंचे लेवल पे पहुंचने की बड़े लोगों की निशानी है, और आप भी इसे अपनी आदतों में शुमार कर लीजिए, फायदा जरूर होगा। तो ये थे आज के कुछ टिप्स कि किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं सक्सेस के लिए और वो हासिल करने के लिए जो आप हासिल करना चाहते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।